ऑलराइट, सो इन दिस एपिसोड ऑफ गरीब अकबर वी विल टॉक अबाउट कि क्या करना चाहिए अगर आपका जो सेल फोन है वो चोरी हो जाए, वो स्निचिंग हो जाए, या तो कोई उसे छीन कर ले जाए या उसे कोई चोरी कर ले, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो यू हैव टू डू माय टू वर्क। सो द फर्स्ट वर्क इज इंस्टाग्राम, यस इफ यू हैव नॉट फॉलो मी स्टिल नाउ देन स्टार्ट फॉलोइंग मी, एंड द सेकेंड थिंग इज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द अपडेट्स फ्रॉम द गरीब अकबर। So let's start it. Intro. Woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. It's a big schedule, airtight. It's on a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside when you pop. So the first thing first is block your SIM or number. Yes. तो first thing क्या करना है आपको कि अगर आपका phone चोरी हो जाता है immediately उसके कुछ समय बाद ही, फ़ोन चोरी हुआ जब भी आपको टाइम लगे, तो आपको क्या करना है, अपनी जो सिम है वो ब्लॉक करानी है। फिर वो सिम है जो आपकी नंबर ऑफ सिम है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो जितनी भी आपको क्या करना है ब्लॉक कराना है। ब्लॉक आप कैसे करा सकते हो, जहाँ से आपने सिम वो इशू कराई हो, जिस शॉप से जिस सेंटर से आपने वो सिम इशू कराई है वहाँ पर जाके आप उसको ब्लॉक करा सकते हो कुछ समय के लिए। गॉट इट? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ताकि उस सिम से कोई क्राइम ना हो जाए, कोई जिसने फ़ोन आपका स्टोलन किया है, जिसने आपका फ़ोन स्निचिंग किया है, उस फोन सिम का गलत फ़ायदा ना उठा दे, किसी को धमकी ना दे दे। गॉट इट? सो द सेकंड थिंग इज आपको FIR लिखानी है, इमिडिएटली FIR। आर यू गेटिंग? इमिडिएटली FIR। तो FIR में क्या लिखाना है आपको, यही सब कि आपका फ़ोन कहाँ चोरी हुआ, कब चोरी हुआ, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, FIR लिखाने के लिए। तो FIR में आपको EMI नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, EMI। अगर आपको पता नहीं है EMI नंबर कैसे निकालते हैं या फिर कुछ, तो आप बिल ले जा सकते हो, बिल होता है उस पर EMI नंबर लिखा होता है, तो बिल की भी ज़रूरत पड़ती है, और अपना रेजिडेंशियल जो प्रूफ है आपका वो भी। गॉट इट? हो सके तो आप लोकल जुरिडिक्शन के थाने में अपनी FIR लिखाएं, जितना जो आपके पास हो, जितना भी जो भी थाना आपके पास है उसमें जाके आप अपनी FIR लिखाओ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बात के ऊपर हम FIR क्यों लिखाएं, क्या वो हमारी FIR लिखेंगे इस छोटी सी बात के ऊपर? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये है कि हुआ क्या था, 5 फरवरी 2014 में क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। तो उसमें क्या था, उसमें ये बोला था कि अगर किसी का फ़ोन चोरी होता है तो उसमें क्या होता है, अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC के तहत जो FIR है वो कंपल्सरी हो गई है। Got it? So I hope you will follow these points if your phone got stolen. I will see you the next video. Bye.